डे हमारे पास है आज थर्सडे। स्टोरी है हमारे पास द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को और ग्रेप्स अंगूर। लोमड़ी और अंगूर की कहानी है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ फॉक्स। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी थी। ही वॉज वेरी हंग्री। वह बहुत ज़्यादा भूखी थी या उसे बहुत भूख लगी हुई थी। ही रैन हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। वो खाने की तलाश में इधर उधर भाग रही थी। ही कुड नॉट फाइंड एनी थिंग टू ईट। उसे खाने के लिए कुछ ना मिला। एट लास्ट आखिरकार ही रीच्ड अ गार्डन। वो एक बाग में पहुंची। देयर ही सॉ अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स हैंगिंग ओवर अ हाई वॉल। वहाँ उसने एक ऊंची दीवार पर क्या देखा कि कुछ पके हुए अंगूरों के गुच्छे लटक रहे हैं, हैंगिंग लटक रहे हैं। बंच गुच्छे राइप ग्रेप्स पके हुए अंगूर। ही जंप टू गेट देम। उसने उन्हें पकड़ने के लिए वो उन्हें पकड़ने के लिए उछली। बट दे वर आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर थे। ही जंप अगेन एंड अगेन बट ऑल इन एन। उसने बार बार वो बार बार कूदी लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। व्हेन ही वाज टायर्ड जब वो थक गई। ही वेंट अवे सिंग। वो ये कहते हुए चली गई। द ग्रेप्स आर सोर। अंगूर कटे हैं। आई शुड नॉट ईट दैम। मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। मुझे इन्हें नहीं खाना चाहिए। हाँ ये कहा उसने। शुड का मतलब चाहिए। अंगूर कटे हैं, मुझे इन्हें नहीं खाना चाहिए। मॉरल द ग्रेप्स आर सॉरी। इसका अखलाकी सबक क्या हुआ कि अंगूर कटे हैं। ये स्टोरी आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में लिखनी है और साथ में आपने याद भी करनी है।